हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों? बहुत अच्छे होंगे। आज हम TOO का ये वाक्य पूरा कर रहे हैं। बोर्ड में जो आता है वो हम कल सीखेंगे दोस्तों। फिर से एक बार याद दिला दूँ, TOO और TO2 और सो दैट, जिसको मतलब बोलते हैं सोइंग रिजल्ट। यहाँ दोस्तों TOO का मतलब होता है हद से ज़्यादा, और यहाँ सो दैट का मतलब होता है इतना कि। वैसे सो दैट अगर साथ में आए तो उसका मतलब जिससे कि होता है। दोस्तों वाक्य रचना आपको याद है, TOO की जगह सो, TO2 की जगह दैट, प्लस करता है। यहाँ सजीव करता हो तो कर्ता का करता, और कैन नॉट या कुड नॉट यहाँ वाक्य देखकर बाकी का वाक्य बना देने का। लेकिन यदि कर्ता निर्जीव हो तो कर्ता के रूप में दोस्तों वन लिखना है, और लास्ट में इट या देम लगाना है। लास्ट में इट या देम आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, आ भी सकता है ना भी आए। हिंदी करने पर उसे आए तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। उस वाक्य से मैंने आपको 10 वाक्य घर काम में दिए थे दोस्तों, जो आज आपने किए होंगे। आज हम केवल और केवल उन 10 वाक्यों का हिंदी अनुवाद और आंसर सुनेंगे। पहला ही वाक्य है, यू आर टू लेजी, तुम हो बहुत आलसी टू फिनिश दिस वर्क, तुम हो बहुत आलसी इस काम को पूरा करने के लिए, यानी हद से ज़्यादा आलसी हो। यहाँ सजीव करता है, कोई टेंशन नहीं लगानी है आपको। वाक्य हो जाएगा, यू आर सो लेजी दैट, करता यू है तो यू आर आया, वर्तमान काल है, कैन नॉट फिनिश दिस वर्क, तुम हो इतने आलसी कि तुम इस काम को पूरा नहीं कर सकते हो। ऐसे वाक्य है, विमल वॉकड टू स्लो, विमल चला बहुत ही स्लो टू कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ने के लिए। यानी दोस्तों विमल बहुत ज़्यादा धीरे चला है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो विमल वॉकड़ यहाँ सजीव करता है, इसमें भी टेंशन नहीं है। विमल वॉकड़ सो स्लो दैट, विमल एक लड़का है तो ही, कुड नॉट आएगा क्योंकि यहाँ वॉकड़ सेकेंड फॉर्म है, भूतकाल हो गया बड़ा, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। फिर देखो, सम स्टूडेंट्स आर टू आइडल, आइडल यानी होता है दोस्तों आलसी, लेजी का ही सिमिलर वर्ड है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत ही आलसी टू स्टडी वेल, अच्छी तरह पढ़ने के लिए। वाक्य बन जाएगा, सम स्टूडेंट्स आर सो आइडियल दैट, अब यहाँ सम स्टूडेंट सजीवे तो बहुवचन दे आएगा, दे कैन नॉट स्टडी वेल। यहाँ से दोस्तों निर्जीव करता आ रहा है, बहुत ध्यान से देखना है, इट इज टू हॉट फॉर अस टू गो आउट, वहाँ है बहुत ही गर्मी हमारे लिए जाने के लिए। इसका निर्जीव करता है लेकिन बीच में फॉर अस दिया है, ध्यान रखेंगे हम, वन न लगा कर कर्ता में कुछ और लगाएंगे, कैसे बनेगा, इट इज सो हॉट दैट, अस दिया है इसलिए वी कैन नॉट गो आउट, इट नहीं आएगा क्योंकि हिंदी करने पे उसे नहीं आ रहा है। आप देखें, वहाँ है इतनी गर्मी कि हम बाहर नहीं जा सकते, उसे नहीं आया। पांचवा वाक्य देखें, द प्राइस ऑफ दिस वॉच इज टू हाई, इस घड़ियाल की कीमत है बहुत ही महंगी, फॉर मी टू बाय, खरीदने के लिए, मेरे खरीदने के लिए। यहाँ पर निर्जीव करता है पर फॉर करके दिए, इसको भी बनाएंगे तब कैसे होगा, द प्राइस ऑफ दिस वॉच इज सो हाई दैट आई, क्यों आई, मी है इसलिए आई, वर्तमान काल है, कैन नॉट बाय इट। सर ये इट क्यों आया, तो हिंदी समझो, यह द प्राइस ऑफ दिस वॉच इज सो हाई, इस घड़ियाल की कीमत इतनी महंगी है कि मैं उसे खरीद नहीं सकता, उसे लगाया ना बड़ा, इसलिए इट आएगा। छठा देखें, दिस प्लेस इज टू अनहेल्दी फॉर लाइव हियर, यह जगह है बहुत ही अस्वस्थ रहने के लिए। अब यह निर्जीव करता है, फॉर करके भी नहीं दिया तो वन कैन नॉट लगाना चाहिए अपने को, कैसे बनेगा, दिस प्लेस इज सो अनहेल्दी दैट वन कैन नॉट लाइव हियर, इसमें इट नहीं आएगा, क्यों, आप समझो जरा, यह जगह है इतनी अस्वस्थ कि कोई भी यहाँ रह नहीं सकता है, उसे नहीं आया बेटा, इसलिए इट नहीं आएगा। और देखें, द वाटर वॉज टू डीप, पानी था बहुत ही गहरा, फॉर द क्रो, कौए के लिए, टू ड्रिंक इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, इतना ज़्यादा गहरा था कि वो एक बूंद भी पानी नहीं पी सकता था। आपको कौए वाली कहानी याद होगी, उसके ऊपर से कैसे बनाएंगे, निर्जीव करता है लेकिन फॉर द क्रो दिया है तो कैसे बनाएंगे, द वाटर वॉज सो डीप दैट द क्रो कुड नॉट ड्रिंक,
इवन ए ड्रॉप ऑफ वाटर, इसमें भी इतनी आया कितनी उसे नहीं आया। देख ले हिंदी, यह पानी था इतना डिगहरा कि कौवा उसे पी, कौवा एक बूंद भी पानी पी नहीं सकता था। एक बूंद भी पानी है उसे नहीं आया इसलिए बड़ा। द फायर वॉज टू सडन, आग थी बहुत ही अचानक। फॉर द फायर ब्रिगेड, फायर ब्रिगेड के लिए, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए, निर्जीव करता है लेकिन फॉर द फायर ब्रिगेड दिया है, कैसे बनाना हैगा। द फायर वॉज सो सडन दैट द फायर ब्रिगेड कुड नॉट, भूतकाल है इसलिए, कुड नॉट कंट्रोल इट। सर इसमें इट आ गया क्यों, हिंदी समझो, आग थी इतनी अचानक कि फायर ब्रिगेड उसे कंट्रोल नहीं कर पाई। और देखते हैं, द डॉग वॉज टू फूरियस, फूरियस नहीं हिंसक, कुत्ता था बहुत ही हिंसक, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए, निर्जीव करता है। आप बोलेंगे सर डॉग तो सजीव है, नहीं बड़ा निर्जीव है, पेड़ पौधे सब कुछ निर्जीव माने जाते हैं, अंग्रेजी में केवल मनुष्य सजीव है। तो वाक्य बनेगा, द डॉग वॉज सो फूरियस दैट वन कुड नॉट कंट्रोल इट, क्यों, कुत्ता था इतना हिंसक कि कोई भी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता था। लास्ट देख लें, इट इज टू हॉट इन डेजर्ट, वहां पर होती है बहुत ही गर्मी डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, टू ट्रैवल ड्यूरिंग द मिड डे, भाई मिड डे यानी भरी दोपहर में, भरी दोपहर में यात्रा करने के लिए रेगिस्तान में बहुत गर्मी होती है। निर्जीव करता है, फॉर करके नहीं लिखा है, वन बनाकर बनाएंगे कैसे, इट इज सो हॉट इन डेजर्ट, पूरा वाक्य आएगा ध्यान से सुनना, इट इज सो हॉट इन डेजर्ट दैट वन कैन नॉट ट्रैवल ड्यूरिंग द मिड डे। दोस्तों आपके जो भी वाक्य गलत हुए उसको हिंदी समझ के सुधार के लिखेंगे हम, और नियमों को आज याद कर लेंगे, कल जो है हम दोस्तों इसका कंप्लीट द सेंटेंस देखने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।